हाय फ्रेंड्स मैं हूँ मानव वेलकम टू तो मूवी शूवी क्या हाल है जी बढ़िया है एक मैंने बड़ी अजीब सी अभी मूवी देखी है ये डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आपको देखने को मिलेगी पचास मिनट के आसपास की है वेर वो बाय नाइट और ये मार्वल की है मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना था एंड आई डोंट क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ एनी कॉमिक्स और इसीलिए शायद मुझे ज्यादा मजा आया ये एक सुपर नेचुरल अटैम्प्ट है आ, मार्वल का जिसके अंदर ठीक ठाक मार्काट है डेड पूल के जोन के टाइप से है लेकिन क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है तो आपको वो कलर फ्लैशेज वगैरह नहीं दिखते कट्टे अंग जरूर दिख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट टोन जनरली क्या होता है कि एक किस्म का मोंटाज या फिर कह है सकते हैं कि एक ट्रिब्यूट है पुराने जमाने की जो मूवीज आती थी ना मॉन्स्टर वाली उस तरीके से और इसको उसी तरीके से शूट किया गया है एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट नोन तरीके के स्कैयर है कि कोई आने वाला है होने वाला है नॉट स्केयर्स के एकदम आगे कोई लेके चला गया शाउट्स हो रही हैं बहुत क्लोजअप कैमरा वगैरह आ रहे हैं तो उस तरीके का है यहाँ पर जो कहानी है बेसिकली जैक रसल की है और भी बहुत सारे मॉन्स्टर हंटर्स हैं और उनको ब्लू स्टोन मैनर के अंदर बुलाया जाता है क्योंकि उनका लीडर जो है उसका थैंक यू हो गया यानी कि वो मर गया है और अब इनको नेक्स्ट लीडर की तलाश है और एक कॉम्पिटिशन होता है कि वो एक मॉन्स्टर जिसके पास रेड स्टोन है वो उससे लेना है उसको मारना है और जो उसको मार पाएगा उसे को गद्दी मिलेगी और उसके बाद क्या कुछ होता है इस कंपटीशन में कैसे ये एक मारधाड़ वाली कहानी बन जाती है कौन है ये मॉन्स्टर और उसके बाद आ, क्या इंटेंशन है स्पेसिफिकली एक जैक रफिल की यहाँ पर आ, क्योंकि बाकी जो मॉन्स्टर हंटर्स हैं उनको भी गद्दी चाहिए तो क्या कुछ निकलता है वो सब आप यहाँ पर फाइंड आउट करते हो कहानी में ट्विस्ट देने के लिए आपको यहाँ पर जो ब्लड स्ट्रों का जो लीडर है एग्जिस्टिंग उसके बेटी की भी कहानी यहाँ पर जोड़ दी जाती है और उसके जो विडो है उसकी कहानी भी यहाँ पर जोड़ दी जाती है जो एक अलग अलग डायमेंशन यहाँ पर लेके आती है जिससे आपको थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा यहाँ पर आपको स्वाद आना शुरू हो जाता है जिसका नाम एल्सा होता है यहां पर अब ये सब जो मार है आपको काफी अच्छे तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट जोन के अंदर दिखाई जाती है जो स्पेस है वो थोड़ा सा कंफाइंड है एक मैनर है और उसके बाहर बहुत बड़ा सा एक मेज तरीके का जिसे कहते हैं गार्डन एरिया है और वहीं पर ये सारी मार्काट होती है जो लाइटनिंग है वो बहुत ज़्यादा फ्लैश लाइट का यूज़ किया गया है लेकिन वो ऐसा करता है कि स्क्रीन को एकदम वाइट कर देता है उस मोमेंट के लिए स्प्लैश भी होते हैं और जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा जब ये जैक टर्न करेगा अपनी ट्रू आइडेंटिटी के अंदर वेयर बनेगा तो आपको काफ़ी कुछ अच्छा लगेगा साथ ही में इसका कुछ लिंकेज शायद मून नाइट के साथ भी इंडिकेट किया गया है वो आपको अच्छा लगेगा शॉर्ट में रिव्यू रखते हुए शॉर्ट मूवी है आपको ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लगने वाली है इसका म्यूजिक बहुत सॉलिड है जो सेटअप है मोनोक्रोम फील है और जिस तरीके का ये स्पेसिफिकली ब्लड स्टोन मैनर बनाया है ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और कैमरा वर्क भी बहुत ज़्यादा है, इतना पुराने ज़माने के जैसे ये ऐसे आता जा रहा है धीरे 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 और फिर अचानक से आपको अचीक की आवाज़ आएगी और जो स्केयर क्रिएट होगा तो पुराने ज़माने के सारे के सारी टेक्निक यूज़ करिए पता नहीं आपने इसका ट्रेलर देखा कि नहीं देखा तो आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाएगा और उसके बाद जो बिग रिव्यूज़ होंगी वो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और निकाल के ले जाएंगी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको इतना शॉर्ट सा क्यों रखा गया है इतनी छोटी सी मूवी सी मिनी सीरीज सी ये क्यों है ये मुझे ख़ास कुछ समझ में नहीं आया जो लोग कॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं शायद उनको पता होगा कि इतना ही क्यों रखा गया है इसको अभी ठीक लगी मुझे देखने में वेंडर विजन अभी ब्लैक एंड वाइट के अंदर बनाई थी उस वो अलग एक जोन के अंदर थी वो एक सिचुएशनल कॉमेडी सिटकॉन टाइप ज़्यादा थी यहाँ पर आपको थोड़ा सा लाइट हार्टेड मोमेंट्स आते हैं लेकिन उसको मैं कॉमेडी नहीं बोल सकता हूँ मेरा जो मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा वो रहेगा एट आउट ऑफ टेन अच्छा वॉच है मज़ेदार सी है देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि और कई अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ सकती हैं मार्वल के अंदर और इसका क्या लिंकेज है बाकी कैरेक्टर्स के साथ फेज़ फोर के साथ वो समझना भी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है लेकिन ज्यादा समझ में आता नहीं मेरे को क्योंकि मैं नहीं। एक्सपर्ट नहीं है जो कॉमिक एक्सपर्ट है वो थोड़ा ज्यादा समझा सकते हैं इस बात को बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज के साथ डोंट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब चैनल बाय बाय।